यहाँ पे है वो हिडन प्लेस। हर जगह चल जाओ देहरादून के कोई से भी कोने में, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता ही मिलता है। जो कि ये वाला व्यू भी देखो अच्छा लग रहा है, देखा का यहाँ पे मानसून में ज्यादा पानी आता होगा ना। ये रास्ते नीचे हिडन प्लेस जाने का लोगों एडवेंचर करते हुए, अब लग रहा कि नहीं लग रहा कि एडवेंचर मैं नहीं कर रहा, एडवेंचर आप लोग भी कर रहे हैं। ये वाटर क्रॉसिंग हो रही देखो, अभी धूप पड़ रही है, कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, पर ये हिडन प्लेस जो सामने देखो अलग चीज़ है यार ये कुछ। और ये यहाँ की लोकेशन पूरी पूरी हर जगह कचरा फैला रखा लोगों ने, अबे ऐसा भी क्या करा हुआ यहाँ पे भयंकर, आज कुछ ज़्यादा ही जाम लगा रखा। तो आज की जो व्लॉग होगी वो होगी अपनी जय श्री राम से, तो सारे बोलो जय श्री राम। तो परसों एक कमेंट भी आया था जिसने बोलता कि मतलब अगर व्लॉग शुरू करो ना तो जय श्री राम से करो, तो आज से अपना व्लॉग शुरू होगा जय श्री राम। आज का जो प्लान है वो सिर्फ मोटो व्लॉग के ऊपर है। वैसे जो कल वाला व्लॉग था ना, कल वाला व्लॉग तो सबसे हटके था, मतलब अभी तक का ना जो व्लॉग में मजा था वो कल वाले व्लॉग में मेरे को लगा कुछ था, कल वाले व्लॉग में ना कुछ इंटरेस्ट था। लोगों को कैसा लगा था वाला व्लॉग वो भी बताना। तो बाकी अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देखना, काफ़ी मस्त व्लॉग था भाई। वो प्याज आंसू नहीं बुझा सकता क्योंकि बेरोजगारी ने इतना रुला चुका है। कैसे प्याज है जिन्हें काट के मेरे आंसू नहीं आ रहे? बेरोजगारी ने इतना रुला दिया, प्याज तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। बात तो सही है। कल जब मैं एंटोर चला रहा था ना, तो कल एंटोर चला के मेरे को ऐसा लगा कि ना इसका पिकअप कम हो गया, और अभी चला रहा हूँ तो अभी ऐसा लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि पिकअप कम होगा इसका, पता नहीं कल ऐसा क्यों लगा। ओए चल भाई आगे यार, इसने भी ठोक दिया था उसको, मैजिक वाला था, कार वाला था, कौन था उसको ठोक दिया था, बड़ी तेजी मारा था। देखो आज ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो एंटोर है ना वो मतलब कि सिटी में और ट्रैफिक के बीच में क्या परफॉर्मेंस देगी। अभी देखो कंट्रोल एकदम, क्या आदमी है यार ये कार वाला सामने वाला, इसके चक्कर इसने इंडिकेटर दिया मैं तब हल्की हल्की होगी स्पीड, यार कैसा आदमी है यार ये, इंडिकेटर दे के फिर सीधा ही निकल गया। अबे अपनी बात पे तो कायम रहता भाई पूरा, अगर जब नहीं मुड़ना था तो इंडिकेटर क्यों दिया इसने, क्या यार क्या आदमी था ये। देखो जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना वो दिखाया मतलब थोड़ा बहुत हाइपर राइड, और मतलब नॉर्मल हाइपर राइड थी, और मतलब कि जो ट्रैफिक के बीच में ना एंटोर कैसे परफॉर्मेंस देती है, देखो ट्रैफिक के बीच में तो मस्त एकदम, और ऊपर से ये है कि अगर कट कुट भी मारना हो ना तो कट भी आराम से हो जाते हैं इसमें, पर ज़्यादा ऐसे चलाने नहीं चाहिए, आराम से अपना सेफ चलो। मैं तो नॉर्मल सेफ चलता हूँ जैसे कि आप लोगों को रोज़ दिखता ही है, बाकी तो अपना नॉर्मल चलो सेफ राइड एकदम, और हेलमेट पहन के जरूर चलो। देखो इतना अगर इतना ट्रैफिक मिले ना आगे और कहीं जगह ना हो तो आराम से चलो, फिर जल्दीबाजी मत करो वरना कब कार वाले ने टक्कर मारी ना सनक के चक्कर में पता भी नहीं चलेगा। देखो इतना ट्रैफिक है मतलब यहाँ बीच में ना कहीं जगह है नहीं निकलने के लिए, तो आराम से चलो इसमें, ज़्यादा तेज नहीं, जब जगह मिलेगी तब आगे निकल जाओ, बाकी अपना नॉर्मल चलो। ये देखो ज़रा कार वाले ने भी ब्रेक मारा, ये आगे एक्टिव वाला चिपक गया था भी उससे, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के भी चलना पड़ता है। और मार शॉर्टकट लगी गाड़ी और क्या, अब तो गाड़ी देख रहे क्यों मारा शॉर्टकट जब नहीं आता कैप निकालना। वैसे ना एक चीज़ सोचो यार, अगर मतलब कि गोप्रो नहीं होता ना, अगर गोप्रो इन्वेंट नहीं होता या फिर मतलब एक्शन कैमरा नहीं होता, ठीक है, तो मतलब जो मोटो व्लॉगिंग होती है वो किससे होती, या तो फिर फ़ोन से होती, ठीक है, फ़ोन से भी देखो काफ़ी सारे लोग करते हैं, मैंने खुद ट्राई करा फ़ोन से, पर देखो उतनी मतलब की क्वालिटी ठीक आती नहीं, ठीक है, और अगर कैमरे से कर रहे होते तो मतलब कैमरा क्या लगा रहे होते फिर हेलमेट पे, DSLR, या अगर देखो मोटो व्लॉगिंग करनी होगी तो अगर DSLR से करेंगे, वैसे देखो नॉर्मल व्लॉग तो बना सकते हैं पर अगर मोटो व्लॉगिंग करनी होगी तो DSLR से करो, और DSLR कैसा लगेगा मतलब देखो यहाँ पे हेलमेट और कम से कम DSLR ना इतनी आगे आएगा, जहाँ मेरा हाथ है इतनी आगे इसका लेंस आएगा DSLR का मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अटपटा लग रहा सुनने में, पर फिर भी
ऐसा अगर होगा तो कैसा लगेगा? सोचने में अजीब सा लग रहा है, हेलमेट में DSLR लगा और तब मोटो व्लॉगिंग करो। मतलब काफी सारे लोगों को पता है कि GoPro काफी छोटा होता है, इतना सा होता है GoPro। तो मतलब जो हेलमेट के आगे GoPro लगाओ ना, तो ऐसा लगता है कि कोई डब्बा लगा रखा, छोटा सा डब्बा सा लगा रखा। काफी सारे लोग ना चौंक जाते हैं कि ये मतलब कि हेलमेट के आगे क्या लगा रखा, इतना सा डब्बा सा लगा रखा कुछ छोटा सा। तभी मेरे ख्याल से सारे ना लोग चौंक जाते हैं, एकदम शॉकिंग रिएक्शन होता है उनका, ये क्या लगा रखा, जिन लोगों को नहीं पता GoPro के बारे में। ऐसी कच कच कच, गाड़ी भी कितनी गंदी हो रही, भयंकर अंदर से पूरा इंजन ही धूल धूल हो रखा पूरा। आवाज़ आ रही थी यार अभी कहीं खच खच खच, ऐसा लग रहा कुछ चेन टाइप की थी कुछ, तो आ तो रोड से ही रही थी वो, पर ऐसा लग रहा था कुछ फंसा है टायर पे। टायर पे तो कुछ भी नहीं है। अब तो नहीं आ रही यार, पता नहीं काहे की आवाज़ आ रही थी अभी। क्या जल्दी हो रही है इन लोगों को, इतनी तेज भगा रहे। अबे आराम से चलो यार, मैं तो आराम से चलूँगा। वैसे इतना ठंडा हो रहा, देखो अंकल देखो क्या मस्त चल रहे यार, आराम से चलो आराम से। हम चले गए आगे, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ गए, बाकी इधर चलते हैं, इधर देख के आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं क्या है इधर की तरफ। भी ना एक नदी है, और नदी है तो फिर कुछ ना कुछ बवाल वाली चीज़ होगी, तो देख के आते हैं पूरा, आराम से चलते हैं। एक तो जाते हैं ना, ठंडा लग रहा, आराम से चलो। ये देखो हॉले वाले बोला था, और बोर्ड में क्या लिखा हो, सो गो स्लो। मैं सो कह रहा था, गो स्लो मतलब जाओ तो आराम से जाओ, सही बात है। मैं जिसने ये बोर्ड लगाया मैं उसकी बात से सहमत हूँ। अभी ये कौन सी जगह है, यहाँ तो मैं पहली बार आया और कुछ अलग ही दिख रहा है देखने में। हर जगह चल जाओ देहरादून में, कोई से भी कोने में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता ही मिलता है, जो कि ये वाला व्यू भी देखो अच्छा लग रहा है देखने में। ओए ट्रक आ गया भाई। ये आया भी बड़ी तेज़ी में, इससे डर भी लगता है मेरे को ट्रक से। बाकी यार तब से मैं यहाँ पे ऐसे ही चले जा रहा, टेढ़ा मेढ़ा, कम नीचे उतरूंगा मैं यहाँ से। वो भयंकर फूकी जा रही है यहाँ पे, फूकी, अंकल ने भी सुन लिया, फूकी जा रही है फूकी। ये देखो यहाँ पे क्या बना रखा साइड में, नदी खत्म नहीं है यार, पानी खत्म है नदी का। मैं सोच रहा था कि देखो यहाँ पे ना क्या बना रखा, पर अब मेरे को समझ आया। वो देखो ये ना पैदल वालों को ले जाने के लिए, अब क्योंकि बीच में पानी आना इतना, तो बंदे कैसे जाएंगे। अब मैं सोच रहा मैंने कहीं ऐसे ही बना रखा नॉर्मल, अब समझ आया ये नॉर्मल नहीं बना रखा, यहाँ पे मानसून में ज़्यादा पानी आता होगा ना इस वजह से। ये देखो अब थोड़ा व्यू ना अच्छा दिख रहा, ये देखो पूरी रोड पे पानी पानी आ रखा, पानी भी ना थोड़ा ऊपर है। ये देखो मतलब बोल सकते हैं जितना, मैं ऐसे कैसे बताऊँ, जैसे ये है ना पैर, इतना इतना पानी है पूरा, जूते से लेकर यहाँ तक ऊपर तक इतना इतना पानी है इस वजह से। बाकी ये देखो पीछे यहाँ पे सूखा हुआ पानी, अब बोलेंगे पानी कहाँ से आ रहा, मिरेकल ये आ रहा पानी साइड में, मतलब जब धूप पड़ रही ना पानी में, देखो कैसे रिफ्लेक्स मार रही है एकदम चमक रहा पूरा। तो बाकी चलते हैं, ये अपना यहाँ से सुबह है क्या बोलते हैं, पैदल चलने वालों का रास्ता, वह ट्रक का घुसा दिया उसने। अच्छा नीचे नदी से पानी पूरी निकाल रहे, बहुत सही। बाकी ये यहाँ से चलने का रास्ता कुछ अलग है यार, ये यूनिक सा बना रखा, मेरे को लगा ऐसे ही बना रखा यहाँ पे। अब पता चला यहाँ पे पानी आता है ना इतना, इस वजह से ये पैदल वालों के लिए जाने के लिए, पैदल वालों के लिए फ्लाईओवर बना रखा। वाटर क्रॉसिंग, ये देखो पानी यहाँ पे है ज़्यादा है भाई, यहाँ पे पानी, ये वाटर क्रॉसिंग हो रही देखो अभी। वाटर क्रॉसिंग कर दी हम लोगों ने, और अब चलते हैं आगे की तरफ, गड्ढे काफ़ी यार यहाँ पे। स्कूल के लिए लेट होगी क्या, ये कहाँ जा रहा भाई लट लेके, लड़ाई पंगा होने वाला लग रहा। रुकू क्या मैं यहाँ पे लाइव कैप्चर करने के लिए। पता नहीं कहाँ जा रहे हो, डंडा लेके पहुँच जाते हैं, एक ही रूट पे पहुँच जाते हैं हमेशा, मतलब दुनिया गोल है पूरी। तो ये देखो जो दिख रही नीचे आप लोगों को, यहाँ पे है वो हिडन प्लेस, मतलब हिडन प्लेस ऐसी होता है, अब तो हिडन भी नहीं रहा वो। हम लोग आए थे यहाँ पे पहली बार आए थे ना जब, तो हम लोग आए थे साइकिल में पूरा यहाँ तक, और साइकिल ना पूरा नीचे तक लेके गए थे, वो भी काफ़ी खतरनाक ब्लॉग था यार। अगर नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देखना, मस्त ब्लॉग था एकदम। बाकी देखो पानी, ओ भयंकर पानी बढ़ गया, अब ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पे। वो देखो पानी का फोर्स दिख रहा, पानी ज़्यादा आ गया यार, अब तो देख के आना पड़ेगा नीचे पूरा। ये रास्ता है नीचे जाने का, देखो पूरा रास्ता भी दिखा रहा मैं आप लोगों को एडवेंचर करते हुए। अब लग रहा कि नहीं लग रहा कि एडवेंचर मैं नहीं कर रहा, एडवेंचर आप लोग भी कर रहे हैं। ये है वो हिडन प्लेस जो मैं बोल रहा था, अब तो हिडन रही नहीं है पर और कहाँ पे, पर ये है वो हिडन प्लेस जिसकी मैं बात कर रहा था। बाकी पानी का फोर्स ना बड़ा है थोड़ा पिछली बार से, ये देखो
इसे बोल सकते हैं हिडन प्लेस। देखो देखने में ना कितना हिडन लग रहा है एकदम देखने में, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि ये रोड के इतनी पास होगा। वहाँ से धूप पड़ रही है, अभी कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, पर ये हिडन प्लेस जो सामने देखो देखने में वैसे मस्त है। चलो यार चलते हैं, देखो ये ऊपर जाने का रास्ता, अब यहाँ से भी देख लो। चलो यार फटाफट ऊपर। रास्ता बड़ा वैसा है यार ये नैरो सा ही, देखो ये रास्ते नीचे हिडन प्लेस जाने का। और ये यहाँ की लोकेशन पूरी पूरी हर जगह कचरा फैला रखा लोगों ने। कोई नया बंदा आएगा ना सोच ही नहीं सकता हो कि मतलब नीचे की तरफ ना कोई नहाने की जगह होगी, मतलब रोड के इतनी पास। एक इसका पैं भयंकर साला, क्या क्या दिमाग है इस पे, कुछ दिमाग है कि नहीं है, सेंस है तेरे पे? थार ले ली इसने और सेंस नहीं है साले पे। अबे दिख रहा ट्रैफिक है लगा हुआ, कहाँ से निकलेगा गाड़ी लेके, हॉर्न मार रहा भाई भूत नहीं के मैं भयंकर पागल पुगल हो गया लग रहा। A few moments later. ये थार वाले को बहुत जल्दी हो रही भाई, ये पता नहीं कहाँ जाने के लिए इतना मतलब पागल हो रखे है। तब से जब आ रहा था मेरे पीछे तभी हॉर्न मारे जा रहा था, मैं मार दूँ उसके पीछे हॉर्न। चल चल आगे, अब तेरे पीछे मैं हॉर्न मारता रहूँगा, रुक। ये बाइक वाला क्या कर रहा है, ये रेस तो नहीं कर रहा वैसे। तो थार तो निकल गया आगे, पर ये बाइक बाइक वाला क्या कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आया बाइक वाले का। अभी ये क्या हो रखा भाई, यहाँ तो सबसे बड़ा जाम लग गया आज के टाइम पे, यहाँ से जगह नहीं है क्या? रुक जा भाई मेरे को जगह बनाने दे। अबे यार यहाँ तो ऑटो वाला रुक, यार जहाँ तक तो निकल सकते हैं वहाँ तक तो निकले। अबे ऐसा भी क्या करा हुआ यहाँ पे भयंकर, आज कुछ ज़्यादा ही जाम लगा रखा। One hour later. 2 hours later. The next day. छुपाने के लिए इतना जाम तो मैंने तब नहीं देखा जितना जाम मैंने आज देख लिया यहाँ पे। मतलब पूरा भयंकर 15 मिनट तो वहीं खड़े रहे हम लोग सप्लाई पे, पूरा जाम पे, मतलब 15 मिनट वहीं खड़े रहे। आज से पहले कभी नहीं हुआ था ये, आज रिकॉर्ड बन गया। चलते हैं घर, पहले तो मेरे को देना है मतलब कि बाइक मैकेनिक पे, उसके बाद मेरे को 2-3 काम और है वो भी करने सारे, मतलब आज काम निपटाते निपटाते ना मेरे को कम से कम 3 या 4 बज जाएंगे, तो आज काफ़ी सारा काम है यार। और ये देखो जरा यहाँ पे ना मतलब ONGC ग्राउंड में देखो विरासत लगी हुई, एक बार तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रात को, पर इस बार मैंने व्लॉग नहीं बनाया यार। पिछली बार मैंने व्लॉग बनाया था तो सब कह रहे थे कि ये तेरा दूसरा घर है, इस बार मैंने यहाँ का व्लॉग नहीं बनाया। फिलहाल तो अभी चलते हैं घर, आज काफ़ी मतलब कि यार पूरा दिन लग जाएगा आज काम करते करते। छोटी सी राइड बोल सकते हैं, एक छोटी सी एक सेफ राइड, स्मॉल राइड जो भी बोल सकते हैं, तो बाकी ज़्यादा लंबा भी नहीं गए, थोड़ा बहुत घूम फिर के आ गए हैं। कुछ कुछ नई नई चीज़ें देखी हम लोगों ने, पहले मतलब कि गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर होता था, अब मतलब लोगों के लिए भी फ्लाईओवर बनता है, तो ये कुछ नई चीज़ देखी आज वाले व्लॉग में। तो बाकी फिर आज वाले व्लॉग में देखो इतना ही था, बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जितने भी चैनल में नए लोग तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।